कि प्राचल समीकरणों का अवकलन, प्राचल समीकरण होते क्या है पहले तो आप उस चीज को समझिए। देखिए प्राचल समीकरणों का अवकलन करने से पहले आप लोग ये समझिए कि ये प्राचलिक समीकरण होते क्या है। देखिए अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ा है कि किसी भी फलन को या फंक्शन को y is equals to fx के रूप में लिखा जाता है, यानी कि y x का फलन माना जाता है। प्राचल का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी वक्र, किसी भी फंक्शन या किसी भी रिलेशन को x अलग, y अलग और किसी अन्य चर जिसको कि हम प्राचल कहते हैं के रूप में अगर व्यक्त किया जाए तो उसको कहा जाता है प्राचल समीकरण। और उस प्राचल समीकरण की एक खासियत होती है कि जिससे वो बना है उसको वो संतुष्ट करेगा, राइट। प्राचल मतलब कि पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ फंक्शन, राइट। पैरामेट्रिक सॉरी इसको आप लिखना डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ फंक्शंस, ये हेडिंग रहेगी, ठीक है आदित्य, राइट। नाउ लुक बच्चों, अब आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि प्राचल समीकरण होते क्या हैं। आपको याद होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये एक सर्कल का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है? यानी कि वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र है जीरो जीरो और त्रिज्या है ए, रेडियस इज ए एंड द सेंटर इज जीरो जीरो। इस समीकरण में अगर हम x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा लिख दें, क्या लिख दें? x बराबर a sin a cos थीटा और y बराबर b, b नहीं a sin थीटा लिख दें, तो ये जो x और ये जो y हैं ये दोनों मिलके इस समीकरण को संतुष्ट कर देते हैं। आप चाहो तो चेक करो, अगर हम यहां पर x की जगह पर a cos थीटा लिख देंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और अगर y की जगह पर ये लिख देंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बराबर a स्क्वायर, राइट। और जरा ध्यान दो, अगर इसमें से a स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर a स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है 1, तो ए स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर, मतलब कि ये x और ये y इसे संतुष्ट कर रहे हैं। तो ये x और y जो है इनको कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और इसमें ये जो थीटा होता है बच्चों इसको कहते हैं पैरामीटर। क्या कहते हैं? पैरामीटर या प्राचल, यानी कि किसी भी वक्र के समीकरण को या किसी भी कर्व की इक्वेशन को x और y के रूप में किसी पैरामीटर के द्वारा रिप्रेजेंट करना उसके प्राचल समीकरण कहलाते हैं। तो यहां पर x और y इस वृत्त के क्या हैं? प्राचल या पैरामेट्रिक इक्वेशन है। मेरी बात समझ में आई? और अब आपको x और y अलग अलग दिए जाएंगे, वो कभी थीटा के टर्म्स में होंगे, कभी t के रूप में होंगे, कभी u के टर्म में होंगे, कभी v के टर्म में होंगे, और आपको उनको डिफरेंशिएट करके किसका मान निकालना है? dy by dx का मान निकालना है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर x अलग है y अलग है तो हम किसको किसके सापेक्ष अवकलित करेंगे? अभी तो y बराबर fx के फॉर्म में होता था तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dy by dx निकाल लेते थे, लेकिन यहां तो x अलग है y अलग है, क्या करें? तो बहुत ही आसान सा जवाब है, सुनिए। मान लीजिए कि आपको ये दिया गया है और आपसे कहा है कि इन दोनों की मदद से, यानी कि x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा की मदद से क्या निकालो? dy by dx निकालो। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आप इसको इस तरह से निकालेंगे। आप पहले इस x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? थीटा। अभी x के सापेक्ष कितना सीखा है तुम लोगों ने अवकलन, अब थीटा के सापेक्ष, तो थीटा के सापेक्ष करेंगे तो a तो अचर है, कांस्टेंट है, एज इट इज cos थीटा का हो जाएगा माइनस का sin थीटा। y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो a cos थीटा,
लेकिन तुम्हें dx by d थीटा नहीं चाहिए, तुम्हें dy by d थीटा भी नहीं चाहिए, तुम्हें तो क्या चाहिए dy by dx। तो तुम dy by dx को लिख सकते हो dy by d थीटा डिवाइड बाय dx by d थीटा। समझे कि नहीं? समझ गए राइट? यानी कि नॉर्मली पहले इसको ऐसे लिखते हैं, डी वाई बाय डी थीटा और डी थीटा बाय डी एक्स, और फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसा, डी वाई बाय डी थीटा डिवाइड बाय डी एक्स बाय डी थीटा, और फिर इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, डी वाई बाय डी थीटा डिवाइड बाय डी एक्स बाय डी थीटा। तो अब जरा ध्यान देना, डी वाई बाय डी एक्स निकालने के लिए क्या करना है, डी वाई डी थीटा में डी एक्स बाय डी थीटा से डिवाइड कर देना है। तो डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस ए साइन थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा अपॉन में, सॉरी डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू है ए कॉस थीटा, और डी एक्स बाय डी थीटा की वैल्यू है माइनस ए साइन थीटा, ए से ए माइनस कॉस अपॉन साइन माइनस कॉट थीटा। समझ में आया? तो तुम्हें एक्स और वाई अगर अलग अलग दिए जाएंगे तो जिस भी पैरामीटर के फॉर्म में वो तुम्हें दिए जाए उसके सापेक्ष दोनों का अलग अलग अवकलन करो, ओके, अलग अलग डिफरेंशिएशन करो, एंड देन इसके बाद डीवाई बाय डी एक्स बराबर इस तरह से निकाल दो। जैसे तुम लोगों को मान लो एक प्रश्न दिया हुआ है कुछ इस तरह से, जैसे दिया है ए एक्स इज इक्वल्स टू, इसको समझना बच्चों जरा, एक प्रश्न दिया है एक्स इज इक्वल्स टू ए टी टू दी पावर फोर और वाई इज इक्वल्स टू दिया है बी टी टू दी पावर थ्री, और तुम्हें क्या निकालना है डी वाई बाय डी एक्स। अब देखो कैसे निकालेंगे, एक्स किसके रूप में दिया है बच्चों, टी के रूप में दिया है, और वाई बी टी, मतलब टी यहां पर पैरामीटर है, प्राचल है, राइट, प्राचल है यहां पर टी। तो आप सबसे पहले डी एक्स बाय डी टी निकालोगे, तो दिस इज इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है, टी में फोर आगे आएगा तो ए फोर टी क्यूब, और डी वाई बाय डी टी करोगे तो ये आएगा बी इंटू थ्री टी स्क्वायर। समझ में आया? सिंपल, आपने डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में किया है, डी वाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में, सोच समझ के बोला कर, कुछ भी मत बोला कर, एक्स का टी के रिस्पेक्ट में, वाई का टी के रिस्पेक्ट में, राइट। तो ए फोर टी क्यूब बी थ्री टी स्क्वायर, तो जब आप ये दोनों ही निकाल लेंगे तो यहां से डी वाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी वाई डी टी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी। आया ना? Now, what is the value of dy by dt? So, it's a 3bt square upon me. dx by dt ki value bachcho 4a t cube. Kuch kat raha hai? T square se t square cancel ho jayega. Aapke paas a jayega 3b upon 4a t. This is your answer. Samajh mein aaya ki nahi aaya? Yahan par aapne jo differentiation hai wo kiske sapeksh kiya tha? Theta ke सापेक्ष अवकलन करने पर, और यहां पर आपने किसके सापेक्ष किया था, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। और मुझे नहीं लगता है बच्चों कि जो भी एक्स और जो भी वाई दिया हुआ है आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, यू कैन इजीली डिफरेंशिएट ईच एंड एवरी एक्स एंड वाई, एंड देन इसके बाद में आपको क्या कर देना है, dy by dx निकालने के लिए dy upon dt upon dx by dt, that's all. फोर्थ में हमें गिवन है x बराबर क्या, a cos theta, a cos theta plus theta sin theta, और y बराबर a plus theta माइनस, यही है क्या बाकी, ओके। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अपने पास में x बराबर a cos थीटा प्लस t
थीटा साइन थीटा और वाई बराबर ए साइन थीटा माइनस थीटा साइन कॉस थीटा है, और हमें इसको डिफ्रेंशिएट करके किसकी वैल्यू निकालना है, डी वाई बाय डी एक्स। और आपको पता है कि ऐसा करने के लिए हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा एक्स एंड वाई विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, एक्स और वाई को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, ठीक है बेटा। तो जब एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे यानी कि डी एक्स बाय डी थीटा, तो दिस इज इक्वल्स टू ए, ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस, अब जरा देखो ये थीटा और साइन थीटा दो फंक्शन हो गए तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन थीटा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा वन। तो आप लोगों के पास आ गया ए माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये साइन थीटा से ये माइनस साइन थीटा कट गया और आपको मिल गया dx by d थीटा का मान थीटा cos थीटा। नाउ ओ सॉरी ये ए भी है तो ए भी साथ में, ए थीटा cos थीटा। अब ऐसे ही y को डिफरेंशिएट करो तो dy by d थीटा इज इक्वल्स टू a sin थीटा का डेरिवेटिव बच्चों cos थीटा माइनस, अब जरा ध्यान देना कि यहां पर माइनस साइन बाहर है, तो अब आप एक काम करो बड़ा ब्रैकेट लगाओ यहां छोटा लगाओ, तो फर्स्ट फंक्शन कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस आगे लगा लो, प्लस कॉस थीटा एज इट इज और थीटा का डेरिवेटिव वन। अब इसको सिंप्लीफाई करो, आदित्य समझ में आ रहा है बेटा, नाउ दिस इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा माइनस और माइनस प्लस थीटा साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, कुछ कट रहा है कॉस से कॉस कट जाएगा और आपके पास डी वाई बाई डी थीटा का मान आ जाएगा ए कॉस थीटा, नहीं इट्स ए थीटा साइन थीटा। सो इसलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इट्स अ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू आई है बच्चों ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, कुछ कट रहा है ए से ए थीटा से थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आ जाएगा टेन थीटा। बात समझ में आई, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, अगर इसी प्रश्न में वो आपसे ये कह देता कि आप डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालो, क्या निकालो, देखो अपना प्रश्न यहां पे खत्म हो चुका है, हम तो केवल चीजें सीख रहे हैं कि आने वाले प्रश्न जिसमें हमें डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालने को वो कह रहा है उसमें निकालेंगे कैसे। तो देखो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का मतलब है डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, यही है ना, डी वाई बाय डी एक्स है, एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, तो दिस इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाय डी एक्स टेन थीटा। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स और ये किसका फलन है थीटा का, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन लगेगा, आप ध्यान रखना, टेन का डेरिवेटिव बताओ sec, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा और फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन से d थीटा अपॉन dx, क्योंकि आप x के सापेक्ष कर रहे थे ना अवकलन, आप किसके सापेक्ष कर रहे हो, ये देखो ये क्या लिखा है x के सापेक्ष, तो फलन के फलन से d थीटा अपॉन dx। अब जरा ध्यान दो d थीटा अपॉन dx का मतलब है sec स्क्वायर थीटा, इसको उल्टा करके नीचे ले जाओगे तो ये ऐसे बन जाएगा dx अपॉन, क्या वैल्यू होगी बताओ, ये d थीटा अपॉन dx को डिनोमिनेटर में लाया तो ये dx अपॉन d थीटा बन गया sec स्क्वायर थीटा एज इट इज। नाउ sec स्क्वायर थीटा तो ठीक है, आप लोगों के पास में dx अपॉन d थीटा की वैल्यू कितनी है dx अपॉन d थीटा की a थीटा cos थीटा, तो इट्स a थीटा cos थीटा और cos ऊपर जाता है तो sec बन जाता है,
तो ये cos ऊपर जाएगा तो ये sec square और एक और नया sec मिलके बन जाएंगे sec cube theta और upon में a theta, ये आ गया आंसर। बात समझ में आई कि तुम लोगों को d2y by dx square कैसे निकालना है? अगर ये tan theta की जगह tan t होता तो यहां पर आता dt upon dx और फिर तुम dt upon dx की वैल्यू यहां से उठाकर यहां पर रखते। समझ में आई बात? ठीक, दिस इज द सिंपल लॉजिक। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगला प्रश्न है हमें dy by dx निकालना है, फाइंड dy by dx इफ x बराबर साइन इनवर्स 2u अपॉन 1 माइनस u स्क्वायर, यही है, एंड y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2u अपॉन 1 माइनस u स्क्वायर। इसमें प्लस का u स्क्वायर, इसमें प्लस है? यस सर। और इसमें ओके, तो x बराबर दिया है साइन इनवर्स 2u अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर और tan इन y बराबर tan इनवर्स 2u अपॉन 1 माइनस u स्क्वायर। एक्चुअल में आप चाहो तो इसको डायरेक्ट x को और y को डायरेक्ट t के u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो और dx अपॉन du और dy अपॉन du निकाल सकते हो और फिर उसकी मदद से आप dy by dx भी निकाल लोगे, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। क्यों? साइन इनवर्स का फॉर्मूला पहले, फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन से जब इसका करोगे तो फिर डिवाइड रूल भी लगेगा, इट्स टू लेंदी। लेकिन अगर इन दोनों में ही हम पुट u इज इक्वल्स टू tan थीटा, अगर u इज इक्वल्स टू tan थीटा पुट कर दें, सो दिस इंप्लाइज दैट 2u अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर यानी कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कितना? हाँ, साइन 2 थीटा एंड 2u अपॉन 1 माइनस u स्क्वायर यानी कि 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा tan 2 थीटा, राइट? इन दोनों का प्रयोग करो, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आया ना। अब मुझे ये बताओ कि साइन इनवर्स और साइन तो कैंसिल हो जाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा? केवल 2 थीटा। लेकिन थीटा का मान कितना है? आपने u बराबर tan थीटा लिखा है तो थीटा बराबर कितना आएगा यहां से? tan इनवर्स u। साथ बात समझ में आई, राइट? तो x बराबर कितना आ गया? 2 tan इनवर्स u एंड y बराबर ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स और वो 2u upon 1 minus u square की जगह कितना लिख दें? tan 2 थीटा। तो फिर tan इनवर्स और tan चले जाएंगे और आपको 2 थीटा मिलेगा, तो यहां पे 2 tan इनवर्स u आ जाएगा। अब x बराबर उतना, y बराबर भी उतना, तो मुझे ये बताओ कि जब हम x व y को u के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इट्स अ dx by du इज इक्वल्स टू 2 तो एज इट इज, tan इनवर्स u का डेरिवेटिव बताओ tan इनवर्स x का बताओ, u का अपन निकाल लेंगे, तो tan इनवर्स u का क्या होगा? Exactly, it's a 1 upon 1 plus u square, तो ये आ गया 2 upon 1 plus u square। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि what is the value of dy upon du, dy by du यानी कि y को u के सापेक्ष, तो 2 इसको u के सापेक्ष करोगे अवकलित, तो tan inverse u का डेरिवेटिव फिर वही 1 upon 1 plus u square यानी कि 2 upon 1 plus u square। तो तुम्हारे पास dy upon du आ गया, तुम्हारे पास dx upon du आ गया, तुम्हें क्या निकालना था? dy dx।
dy/dx, तो dy/dx बराबर आ जाएगा dy/du और ये आ जाएगा dx/du. Now what is the value of dy/du? It's a 2/1 + u². What is the value of dx/du? It's a 2/1 + u². दोनों कट गए, आंसर 1 आया. So dy/dx is equals to 1/1. और अगर मैं तुमसे पूछूं यहां पे कि d2y/dx² कितना होगा? क्वेश्चन है बच्चों, इफ x इज इक्वल्स टू कितना बच्चों? sin t. x इज इक्वल्स टू sin t, y इज इक्वल्स टू sin pt. टू शो क्या दिखाना है? 1 - x² d2y/dx² x dy/dx + p square y. ओके, तो ये प्रूफ करने के लिए हमें d2y/dx² और dy/dx और y की जरूरत पड़ेगी, और किसकी? x की, और x भी है ना, x की जरूरत भी पड़ेगी. ठीक है बच्चों, चलिए तो पहले इस x और y की मदद से dy/dx निकालेंगे, फिर d2y/dx² निकालेंगे, और फिर x, y, dy/dx, d2y/dx² की मदद से इन सभी में मान रख देंगे और देखेंगे शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है. लेट्स स्टार्ट. x व y को t के सापेक्ष अवकलन कोने का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है? तो जब x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx/dt इज इक्वल्स टू dy/dt ऑफ sin t, तो दिस इज इक्वल्स टू cos t. ठीक है आदित्य? अब ऐसे ही जब y को करेंगे तो dy/dt इज इक्वल्स टू dy/dt ऑफ sin pt, सो दिस इज इक्वल्स टू cos pt. और फंक्शन ऑफ फंक्शन से pt का होगा तो कितना आएगा? केवल p, यानी इसको हम p cos pt लिख सकते हैं. कोई डाउट? क्या सर, जो t है x का काम कर रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही समझे आप. ठीक है, ठीक है बॉयज, ओके. सो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dt एंड अपॉन dx/dt. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy/dt? कैन आई से dy/dt आया है p cos pt. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx/dt? कितना? इट्स अ cos t. इट्स अ cos t. कोई डाउट? कोई डाउट नहीं. तो हमारे पास dy/dx इज इक्वल्स टू आया है p cos pt अपॉन cos t. ठीक है, कितना समझ में आया? चलिए अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि d2y/dx² कैसे निकालें, तो आप कहेंगे कि सर जो dy/dx है उसको एक बार और x के सापेक्ष क्या कर दीजिए? अवकलित कर दीजिए. तो जब आप dy/dx को x के सापेक्ष अवकलित करेंगे तो आपको मिलेगा dy/dx p को तो बाहर लिख देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, cos pt अपॉन cos t. ध्यान दीजिएगा, यहां पर डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा आपको. कौन सा रूल? डिवाइड रूल. तो दिस इज इक्वल्स टू डिवाइड में cos स्क्वायर t, डिनोमिनेटर का स्क्वायर. नाउ यहां पर आएगा cos pt का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin pt इनटू में p, और इनटू में p तो आएगा ही आएगा, लेकिन t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt अपॉन dx, क्योंकि आप कर किसके सापेक्ष रहे हो? x के सापेक्ष रहो. तो फंक्शन ऑफ फंक्शन से pt का होगा तो p तो एज इट इज, t का हो गया dt अपॉन dx. बात समझ में आई? नाउ माइनस cos pt
और cos t का होगा माइनस का sin t और dt by dx। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों के पास आ गया, दिस इज इक्वल्स टू, ये माइनस cos t sin pt, और p को भी आगे लिख दो तो दिस बिकम माइनस p, माइनस और माइनस प्लस sin t cos pt एंड व्हाट इज, अच्छा एक चीज मिस हो गई बच्चों, dt by dx की वैल्यू। नाउ dt by dx कितना था? तो अगर मैं तुमसे पूछूं dt by dx फिर कितना होगा? भाई ये तो dx by dt था ना cos t, और अपने को चाहिए dt upon dx, तो इसका ये क्या होगा? कहना सर उल्टा हो जाएगा उसका। Yes, हाँ या ना भाई, अपने को तो dx, अपने को क्या चाहिए? हमें चाहिए dt upon dx, और ये है dx upon dt। yes, तो इसका उल्टा कर दो, यानी कि cos को नीचे ले आओ, तो dt by dx की वैल्यू हो जाएगी 1 upon cos t, माइनस और माइनस प्लस sin t cos pt, एंड व्हाट इज द वैल्यू dt by dx? सर cos t अपॉन में। कोई डाउट बच्चों? राइट, एंड पूरे के डिवाइड में क्या चल रहा है? कॉस स्क्वायर टी, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? कॉस टी, और वो नीचे आ जाएगा तो वो बन जाएगा कॉस क्यूब टी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का पी कॉस टी साइन पी टी प्लस साइन टी cos pt and divide by cos cube t। ये किसकी वैल्यू आई है? d2y by dx स्क्वायर की, है ना। अब जरा ध्यान देना, अतः x y dy by dx और d2y by dx स्क्वायर के मानों से यूजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स एंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू, हमें जीरो लाना है, हम सबकी वैल्यू रखेंगे अब यहां पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स बच्चों? साइन टी, तो इट बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है पूरा, तो इट्स अ माइनस पी कॉस टी साइन पी टी इन प्लस साइन टी कॉस पी टी, और डिवाइड में कितना बच्चों? कॉस क्यूब टी माइनस एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? साइन टी, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स? डी वाई बाई डी एक्स पी, पी कॉस पी टी अपॉन कॉस टी, सही है, एंड प्लस पी स्क्वायर वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई बच्चों? साइन पी टी। तो ये तो हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, अब सिंपलीफाई करते हैं इसको और देखते हैं कि जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, है ना। चलिए देख लेते हैं, लुक एट दैट बच्चों, मुझे बताइएगा वन माइनस साइन स्क्वायर टी की वैल्यू, कहना सर कॉस स्क्वायर टी? यस सर कॉस स्क्वायर टी। हाँ या ना? यस सर। हाँ या ना? उधर शुभम, वन माइनस साइन स्क्वायर टी की वैल्यू कॉस स्क्वायर टी होता है कि नहीं? कॉस स्क्वायर टी से कॉस क्यूब टी कटा तो नीचे एक कॉस टी बच जाएगा, हाँ या ना? ओके अब जरा ध्यान देना, यहां पर कॉस टी, यहां पर भी कॉस टी, तो इन दोनों का एलसीएम एक जैसा, लेकिन इसके नीचे नहीं है कॉस टी, तो इस कॉस टी का यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके तो जब हम ऐसा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू,
लुक वन ये तो कट गया, हमें मिलेगा माइनस का p cos t, माइनस का p, ये माइनस का p cos t इंटू साइन पी टी प्लस साइन प्लस साइन टी कॉस पी टी माइनस माइनस साइन टी पी को आगे लिख दो कॉस पी टी और प्लस पी स्क्वायर और साइन पी टी और कॉस टी और पूरे के डिवाइड में कितना कॉस टी। क्या बेटा ऊपर कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है सर? कॉस सर हो रहा है ना सर, बताओ। हमारा वहां पर इसलिए नहीं आ पा रहा बिकॉज इस पी को हम छोड़ गए। इस पी को देखो, हमने डिवाइड रूल तो लगा दिया, ये पूरा डिवाइड रूल, लेकिन ये जो बाहर पी था इसको हम भूल गए। तो ये जो पी चल रहा है साथ में, इस पी को लिखिए भाई, ये पी ठीक है, ये पी। अब इस पी का अंदर गुणा कर दो, तो देखो जब पी का अंदर गुणा कर दोगे तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा पी। तो ये बन गया बच्चों पी स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा एक पी, राइट। और जब ऐसा हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में ये बन जाएगा पी स्क्वायर और यहां आ जाएगा प्लस में पी। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये पी स्क्वायर कॉस टी साइन पी टी इससे कैंसिल हो जाएगा और ये पी साइन टी कॉस पी टी, ये पी साइन पी टी कॉस पी टी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली अपने पास कितना आ जाएगा, जीरो अपॉन कॉस टी एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो। बात समझ में आई? तो दिस इज द सिंपल मिस्टेक, जो हमने पी को बाहर रखा था उसको हम भूल गए थे लिखना, तो इसको आप लिख लीजिए कॉपी में और अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर साथ में चलेंगे आप तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। बात समझ में आई? आसान है?